बिल्कुल। कैसे? सबसे पहले तो मैं आपको बहुत धन्यवाद और कि आपने अवसर दिया। छत्तीसगढ़ में सरगुजा और बस्तर दोनों आदिवासी अंचल है और देश की आजादी के बाद सबसे ज्यादा अगर इन वर्गों के लिए किसी ने काम किया तो कांग्रेस ने काम किया है। उनको आरक्षण देना, उनको आगे बढ़ाना, तो स्वाभाविक रूप से इन वर्गों का जो झुकाव है वो कांग्रेस की तरफ रहता है। पिछले चुनाव में भी हम लोगों ने देखा कि दोनों अंचल से, चाहे बस्तर हो या सरगुजा, दोनों ने एक तरफा साथ कांग्रेस का दिया और सत्ता का दरवाजा वहीं से खुला, चाबी कहा जाए तो वहीं से मिला है। अब अवसर आया है तो कांग्रेस ने भी खूब उनके लिए काम किया है। आज आपने देखा होगा कि हाई कोर्ट में आरक्षण आदिवासी वर्ग का एक तरह से शून्य कर दिया था। पूरे आदिवासी वर्ग में चिंता की लहर, उनके चेहरे में चिंता की लकीरें खिंच गई थी और ऐसे समय में हमारे विरोधी दल के साथी भारतीय जनता पार्टी के अंदर से खुशी मना रहे थे कि कांग्रेस अब फंसी है, सकते में आ गई है। ये लोग विधायक, सांसद, मंत्री, कलेक्ट्रेट का घेराव, सभी जगह प्रदर्शन किए और मैं मुख्यमंत्री जी को बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूं कि जिस दिन ये फैसला आया उन्होंने तत्काल कहा कि मैं आदिवासियों के 32% आरक्षण के साथ खड़ा हूं, जरूरत पड़ेगा तो मैं विशेष सत्र बुलाऊंगा और जरूरत पड़ेगा तो मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। और दोनों काम उन्होंने किया। छत्तीसगढ़ की विधानसभा में आदिवासियों के आरक्षण 32% के लिए, एससी के 13% और पिछड़ा वर्ग के लिए 27%, ईडब्ल्यूएस सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 4%, ये आरक्षण विधानसभा में पारित हुआ। लेकिन आज तक ना भारतीय जनता पार्टी के नेता इसमें आभार व्यक्त किए, ना खुशी मनाए, ना रैली निकाले, ना अपने हाई कमान से कभी उन्होंने कहा कि इसको पारित किया जाए, ना राज्यपाल को ज्ञापन दिए, ना इतने बार मिलने जा रहे हैं, एक बार अपील किए। तो इसमें स्पष्ट झलकता है कि राज्य सरकार की जो मंशा थी वो स्पष्ट थी और उन्होंने करके दिखाया। लेकिन महामहिम राज्यपाल जो भारत सरकार के प्रतिनिधि होते हैं और इस समय माननीय जो महामहिम है उन्होंने आज तक दस्तखत उस बिल में नहीं किया जिससे वो कानूनी रूप नहीं ले पाई। ऐसे में माननीय मुख्यमंत्री जी सुप्रीम कोर्ट से ला करके इन वर्गों के लिए 32% आरक्षण दिया, तो मैं स्वाभाविक रूप से कह सकता हूं कि किसी को अगर संवैधानिक अधिकार दिया है, अवसर दिया है, मौका दिया है तो निश्चित रूप से उनका झुकाव, उनका लगाव उनके साथ रहेगा। कांग्रेस ने किया है, कांग्रेस के साथ रहेगा और निश्चित तौर पर इन दोनों क्षेत्रों से कांग्रेस का बढ़त रहेगा, कांग्रेस के प्रति लोगों का झुकाव और विश्वास बढ़ा है। राशन घोटाले पे आते हैं, आक्रामक है बीजेपी बहुत ज्यादा। आज जब प्रधानमंत्री भी पहुंचे बिलासपुर, उन्होंने भी कहा कि इतने घोटाले किए हैं जनता माफ नहीं करेगी। देखिए, भाषण देना और अपनी बात को बहुत जोर से और गलत ढंग से प्रेजेंट करना, लोगों के सामने गलत फहमी फैलाना, ये तो कोई इनसे सीखे। मैं ये कहता हूं कि जिनका ये लोग आरोप लगाते हैं उसकी सत्यता क्या है, उसके तथ्य तक कभी लोग गए हैं क्या? मैं एक लाइन में बोलता हूं कि जिन लोगों ने भी राशन घोटाले की बात करी है, मैं एक लाइन में उनको चुनौती देता हूं कि आप राशन घोटाला साबित कर दो, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। और उन लोगों को मैं पूछता हूं कि जो लोग आरोप लगाए हैं, क्या उन लोग घोषणा करें कि अगर आरोप साबित नहीं कर पाएंगे तो चुनाव नहीं लड़ेंगे, घोषणा करें। ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की बात करते हैं, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में 28 महीने का चावल आया और ये जांच कितने दिन का बात करते हैं, 33 महीने का। तो आपको फिगर तो अलग दिखेगा ना, 28 महीने का चावल आया, 28 महीने का बांट दिया गया
और 33 महीना कहां से हिसाब आएगा। ठीक उसी प्रकार आप हमारी सरकार और पिछले सरकार की में आप देख लीजिए कि इनके समय में कितने राशन कार्ड थे और हमारे समय में कितने राशन कार्ड है। ये ठीक चुनाव से पहले राशन कार्ड लोगों का बनाते थे और चुनाव के बाद सत्यापन के नाम से राशन कार्ड काट देते थे। इनका पैमाना क्या रहता था राशन कार्ड बनाने के लिए? चूल्हा देखने जाते थे घर घर, टीवी तो नहीं है उनके यहां, मोटरसाइकिल तो नहीं है, पक्के का घर तो नहीं है। लेकिन मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि जिस दिन से हमारी सरकार बनी, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बने, हमने यूनिवर्सल पीडीएस सिस्टम लगाया है और सबके लिए राशन कार्ड, कोई कांग्रेस भाजपा या दल से ऊपर उठ करके किसी के साथ दलगत हमने राजनीति नहीं करी। सब लोगों को एक नजर से देखा है, जिसने राशन कार्ड मांगा उसको राशन कार्ड दिया और हमने आधार से लिंक किया है। इनके समय में एक व्यक्ति के कई कई राशन कार्ड बन जाते थे, आज कोई एक आदमी, कोई अगर माई का लाल है तो दिखा दे एक आदमी का दो राशन कार्ड बना करके, कदापि नहीं बन सकता। एक आदमी का एक आधार नंबर है और आधार लिंकअप है, तो इसमें भ्रष्टाचार को तो प्रश्न ही नहीं उठता है। रही सवाल ये लोग आरोप लगाने की, माननीय रमन सिंह जी ने आरोप लगाया था और आरोप लगाने के बाद हमको घेरना था, गठघरा में खड़ा करना था, हमसे सवाल पूछना था, सवाल लगा करके क्विट कर जाते हैं, विधानसभा से अनुपस्थित हो जाते हैं, क्या बात करेंगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर दम है आप में तो घोषणा करो। आपने केंद्र सरकार से मांग करी थी जांच के लिए और आरोप लगाया था 33 महीने का, आवंटन मिला था 28 महीने का, उठा करके उस जो शिकायत पत्र था उसको कचरा के टोकरी में डाल दिए। सेंट्रल की टीम ने कोई आरोप सिद्ध नहीं कर पाया, उन्होंने कहा कि सब ठीक है और इसमें और ज्यादा हमको इन सब योजनाओं में मॉनिटरिंग की जरूरत है, इसको करना चाहिए। एक बात, कोविड जैसे पीरियड में जहां लोगों के सामने खाने की दिक्कत, परिवार पालने की दिक्कत, लॉकडाउन, उस समय लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल, ऐसे समय में छत्तीसगढ़ का जो पीडीएस सिस्टम, यहां की जो नीति थी, उसका वजह है कि लोगों ने घर बैठे मजे से लॉकडाउन काटे, पूरे कोविड पीरियड में किसी को भी खाने की कमी नहीं हुई। एक सिंगल कोई आरोप लगा दे कि कहीं भूख से मौत हुई। पूरे प्रदेश में लोगों ने खूब शासन की योजना को तारीफ किया है, मजे से लॉकडाउन काटा है, किसान खुश है, यहां के आम जनता खुश है, खाने की किसी को कमी नहीं है। आज पूरे प्रदेश में सबसे पूरे देश में इनके समय का और हमारे समय का राशन कार्ड देख लीजिए, जमीन आसमान का। इनके समय 58 लाख कार्ड, हमारे समय 74 लाख कार्ड, और खाने की किसी को कमी नहीं। आज दिक्कत में सबसे ज्यादा है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं कि आरोप नहीं लगा पा रहे हैं, झूठा आरोप लगा रहे हैं। कोई इनके एक आदमी नहीं बोल रहा है कि हमको राशन नहीं मिला, अगर राशन नहीं मिला होता तो लोग खड़े होते, जांच वहां पर लर्न ऑर्डर की स्थिति निर्मित हो जाती, जो इनके समय था। आज तो आज किसान, अगर यहां के आम नागरिक के साथ साथ किसानों की बात देखें, छत्तीसगढ़ धान का कटोरा, हमें यहां के धान के कटोरा के मालिक इनके 15 साल में कितने क्राइसिस में थे, कभी इन्होंने कर्जा माफ नहीं किया, कभी इन्होंने 2500 रुपए धान नहीं खरीदा। लेकिन हमारी सरकार आने के बाद लगातार, इनके समय कितने किसानों का लोगों ने धान खरीदा था? 12 लाख, 15 लाख, और हमारे आने के बाद किसानों की संख्या में खरीदी को लेकर क्या आप हमेशा आक्रामक रहते हैं जी? जो काम किया है वो बोलेगा, जो नहीं किया वो डरेगा। इसलिए मैं खुले चुनौती तो बोल रहा हूं, पर अभी बीच आपके चैनल के माध्यम से मैं उन लोगों को जो आरोप लगाते हैं बार बार भ्रष्टाचार को, खुली चुनौती दे रहा हूं मैं कि आप आरोप सिद्ध कर दो, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, और आप जो आरोप लगा रहे हो अगर नैतिकता है तो घोषणा करो कि अगर आप सिद्ध नहीं होगा तो आप चुनाव नहीं लड़ोगे। पर मुख्यमंत्री कहते हैं कि नहीं, केंद्र ने सपोर्ट किया है। देखिए, ये तो बात की बात है कि आप कैसे उसको, आप अगर हमारे घर आए हैं तो आपका हम बेइज्जती करेंगे क्या? यहां तो अतिथि सत्कार की भावना छत्तीसगढ़ में देखी जाती, अतिथि देवो भव, घर में आया है उसका तो कोई बेइज्जती नहीं करेगा। लेकिन एक बात आपने देखा होगा कि जो
इस दुनिया से चला जाता है ना, उसको कोई खराब नहीं बोलता है, बोला अच्छा आदमी था चला गया। एक एक परंपरा रही है, और ऐसे ही अतिथि देवो भव का भी परंपरा है। कोई कला तो नहीं है, कोई कला तो नहीं है आपसी कला? नहीं नहीं, कला क्या है, अगर आप कोई बाहर से आया है हमारे लिए तो अतिथि है, उसका तो हम सत्कार करेंगे। नहीं नहीं, कांग्रेस में आपसी कला नहीं, लोग क्या है आपसी कला उसको बना देते हैं, जैसे आप जैसे लोग उसको बढ़ा चढ़ा करके घुमा फिरा करते हैं, सीधे आदमी फंस जाते हैं। और अपनी मौजूदगी का एहसास कराने के लिए नहीं, वही तो बोल रहा हूं मैं कि आप लोग जो बोलवा दें, जो उसको प्रेजेंट कर दें, वो तो उन्होंने तो कहा कि ऐसा कोई बात नहीं है और सीधे व्यक्ति हैं, और उन्होंने बोल चाल में शिष्टाचार में क्या दिया उसको, इतना बात का बतंगड़ और इतना बड़ा मुद्दा नहीं बनाना चाहिए जैसे कि बढ़ा चढ़ा करके लोग बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आपके बयानों की बात करते हैं, बहुत चर्चा में रहते हैं। मेरी बात अधूरी रह गई है, धान मेरी बात अधूरी रह गई है। जी जी, पूरी धान मैं बोला कि धान के कटोरा के मालिक क्राइसिस में थे, हमने कर्जा भी माफी किया, 2500 रुपया में धान भी खरीदा, केंद्र ने आपत्ति किया तो हमने राजीव गांधी किसान न्याय योजना ला करके आज पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा धान का कीमत हम दे रहे हैं। आप कंपटीटिव, आप उसको कंपेरिजन करिए, प्रधानमंत्री जी भी अपने क्षेत्र में उतना नहीं दे पा रहे अपने किसानों को जितना हम दे रहे हैं, और लगातार उसका रिजल्ट है कि यहाँ के किसानों की संख्या में वृद्धि, धान खरीदी में वृद्धि और रकबा में वृद्धि। इनके समय धान कितना खरीदी होता था, मुश्किल से 60-70 हजार अधिकतम मीट्रिक लाख टन, हमारा ओपनिंग 82 लाख मीट्रिक टन से हुआ था, दूसरे साल 84, तीसरे साल 92 और पिछले साल तो हमने खरीदा था 107 लाख मीट्रिक टन, इन साल तो और आगे जाएगा, तो टोटल बजट का 1/4 हम किसान मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में हम लोगों को दे रहे हैं, तो किसान तो यहाँ माला माल है, और बाकी प्रदेशों में किसान का बेहाल है, तो किसान तो हम ही को चुनेगा, आदिवासी यहाँ पर खुशहाल है तो किसान आदिवासी तो हम ही को चुनेगा, तो इसलिए काम जो करता है वो बोलेगा। समर्थन मूल्य 3600, चुनावी स्टंट माने इसे? देखिए वो तो माननीय मंत्री जी ने उसको उनको आप पूरा जोड़ घटाव करके बताया है, और मैं सोचता हूं कि गणित में बहुत तेज है और उनको उन्होंने जो आकलन लगाया वो कहीं से गलत नहीं है, इसलिए पूरे हिंदुस्तान में किसान अगर सबसे ज्यादा खुशहाल है तो छत्तीसगढ़ में, और सरकार पे कांग्रेस पे अगर विश्वास कहीं है तो छत्तीसगढ़ में है, इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा जो योजना है वो जो कुल आबादी का जो 85% लगभग किसान है उनके लिए योजना बना करके अगर हम काम कर रहे हैं तो हमारी योजना सफल है, यहाँ के किसान संतुष्ट है, यहाँ के आदिवासी संतुष्ट हैं, यहाँ के यूथ संतुष्ट हैं, तो आने वाला समय हमारे लिए तो बेहतर रहेगा। कितना आश्वस्त हैं जीत को लेकर के? उतना ही जो जितना हम पिछली बार आश्वस्त थे। मैं मानू जो आपका ये बयान था कुछ दिन पहले, आपने बयान दिया था कि अगर हम नहीं जीते तो मैं मूछे मुंडवा लूंगा, आप उस पे कायम है? जी मैंने तो उस समय कहा था लेकिन वो लोग कहां गए? पर आपने एक एक मैडम एक व्यक्ति भी अगर उनके बात में दम था तो जट मतलब झूठ का पुलिंदा कितना चलेगा, अगर इतना जो सच्चाई है जिसने काम किया है वो बोलेगा। हमने इसलिए अपने काम पे मुझे भरोसा था, इसलिए मैंने कहा था कि अच्छा खैरागढ़ की चुनाव उपचुनाव था, उस समय मैंने कहा था जो लोग जीत का दावा कर रहे थे उनको कहा था कि अगर मेरी पार्टी नहीं जीतेगी, मैं वहां का इंचार्ज मिनिस्टर भी था, वो कहा था कि अगर मेरी पार्टी नहीं जीतेगी तो मैं रिजाइन करूंगा, मूछ मुड़वा लूंगा। फिर उस समय तो सब लोग ट्वीट कर गए, अभी भी चुनाव में जिन लोगों ने दावा किया था उन लोगों ने इसके बाद उस लाइन में एक शब्द बोला नहीं। जिनके बयान पे आपने ये बयान दिया था वो आपके साथ आ गए खुद? ऐसा तो नहीं उनके आने से बयान बदल गया? नहीं, अब देखिए क्या है कि वो सही का साथ देने वाले हैं, वो एक आदिवासी नेता है और आदिवासी बहुत ज्यादा झूठ नहीं बोलता है, वो इनोसेंट होता है, वो दिल का बहुत साफ होता है, और कहा गया है कि जो आदिवासी का दिल जीत लिया समझो कि दुनिया जीत लिया, और भूपेश बघेल जी ने करके दिखाया है। उनका जब जब अवसर आया है विश्व आदिवासी दिवस, पूरे देश और दुनिया के आदिवासी उस दिन खुशी मनाते हैं, उस दिन त्योहार के रूप में मनाते हैं, उस दिन उसको सेलिब्रेट करते हैं, और पिछले 15 साल तक हमारे लोगों ने, हमारे समाज के लोगों ने
जिस दिन 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के दिन छुट्टी मांगते मांगते थक गए, नहीं मिला, सरकार बदली, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी बने और बिना मांगे उन लोगों को छुट्टी दिया। ये होता है दिल जीतने की बात। और केवल उतना ही नहीं किया, आदिवासी संस्कृति को, आदिवासी कल्चर को, आदिवासी जो हमारी परंपरा है उसको आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव कराते हैं, जिसमें देश और दुनिया के लोग यहां आते हैं और 9 विदेशी मेहमान दल और कल्चर टीम उसमें भाग लेते हैं। आपने आज तक नहीं देखा होगा कि आदिवासियों के त्योहार में, उनके कल्चरल प्रोग्राम में पक्ष विपक्ष, चीफ मिनिस्टर, अपोजिशन का लीडर, राष्ट्रीय नेतृत्व, राहुल जी, मीरा कुमार जी, तमाम जो सेंट्रल के लीडर थे, एक साथ नाचते हुए नजर आए। तो आदिवासियों का भल मनाहत है सबको साथ में अपने साथ जोड़ने का, किसी के साथ फर्क नहीं करने का, और जो प्रेम से बोला उसी के साथ हो लिए। धर्मांतरण की बात कर लेते हैं। धर्मांतरण बहुत बड़ा मुद्दा है और इस बार चुनाव में गरमाएगा भी, आखिर किस तरह से पार पाया जाएगा? देखिए, धर्मांतरण पे सेंट्रल एक्ट बना हुआ है, राज्य में भी उसके लिए इंप्लीमेंट के लिए कानून बने हुए हैं और भारतीय संविधान में इस बात का प्रावधान है कि कोई भी गलत ढंग से प्रलोभन दे करके अगर इस तरह का कृत्य करेगा उनके खिलाफ कानून काम करेगी, और इस पे जिसने भी ऐसा किया है उसके ऊपर कार्रवाई हुई है। आदिवासी वोट बैंक की अगर हम बात करें तो उसको लेकर के आप कितने आश्वस्त हैं? क्योंकि अगर हम बात करें अरविंद नेताम जी की, तो अभी अभी छोड़कर चले गए आपका साथ, तो क्या इससे कमजोरी पार्टी में आएगी क्या? देखिए, माननीय अरविंद नेताम जी हमारे पुराने नेता हैं और बुजुर्ग हो गए, और जब लोग बुजुर्ग हो जाते हैं तो वो हमारे धरोहर हैं। बहुत सारे उनके बात को हम बुरा नहीं मानते, लेकिन इम्प्लीमेंट भी गलत बात को नहीं करते। जैसे कि घर का बुजुर्ग अगर कोई गलत बोल दे तो क्या उनको घर से निकालते हैं क्या? हमने नहीं निकाला, हमने उनको कुछ नहीं किया, बल्कि खुद छोड़ करके चले गए। और नेताम साहब तो पता नहीं कितने पार्टी में जा चुके हैं, तो इसलिए उनकी बात की उतनी गंभीरता नहीं है। नंदकुमार साय जी आ गए, कमी पूरी मान ले हम, बैलेंस हो गया? देखिए, नंदकुमार साय जी में बहुत सारी ऐसी बात है जिसको वो सच्चाई को आत्मसात करने की क्षमता है। मुझे मालूम है कि जब डिलिमिटेशन हो रहा था और छत्तीसगढ़ में 5 ट्रैवल सीट कम हो रही थी, नंदकुमार साय जी अपोजिशन के में थे उस समय, वो सत्ता पक्ष में थे और हम अपोजिशन में थे, और जब हम लोगों की डेलीगेशन सेंट्रल में, जब माननीय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे उनसे मिलने जाने की बात हुई, तो राजनीतिक जो दायरे है, राजनीतिक जो सीमा है उससे ऊपर उठ करके वो हम लोगों के डेलीगेशन में गए और आदिवासियों हित की बात, आदिवासी हित की बात वहां भी उन्होंने करी और मिसाल पेश किया। तो मैं कह सकता हूं कि एक अच्छे इंसान है और सत्य बात का वो आत्मसात करते हैं, साथ देने की साहस और क्षमता उनमें है। अमरजीत भगत जी को क्या लगता है, कहां पर कड़ा मुकाबला और कितना कड़ा मुकाबला बीजेपी के साथ होगा? देखिए, ये बात आपने जो बात कही है, जहां जो हम महसूस करते हैं कि प्रदेश, पूरे देश का जो मुखिया है वो इस समय उफान में है और इतने बड़े बहुमत के साथ वो सेंट्रल में है और एक तरह से वो तानाशाहपूर्वक जो है तानाशाही के साथ पूरा देश चला रहे हैं। बहुत सारे प्रदेश में चुनी हुई सरकार को उन्होंने बदल दिया और बहुत सारे ऐसे बात उन्होंने देश की जनता से करी थी जिसको उन्होंने पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा था कि अच्छे दिन लाऊंगा, मुझे अवसर दीजिए, मैं 100 दिन में महंगाई कम करूंगा, मुझे अवसर दीजिए, और ना उन्होंने कहा था कि मैं हर साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी दूंगा, मुझे अवसर दीजिए। लेकिन एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया, बल्कि इस देश में GST, इस देश में नोटबंदी और निजीकरण जैसे
विषय को ला करके लोगों के सामने एक नया समस्या खड़ा कर दिया है। आज पूरा देश इस बात को स्वीकार करता है कि हमारा भविष्य क्या होगा। इस देश में जो एकता और भाईचारा था वो आज खतरे में नजर आता है। ये कहीं कहते हैं कि हम आरक्षण समाप्त कर देंगे, कहीं बोलते हैं कि गौ हत्या बंद होगी, गौ मांस खाना बंद करो, लेकिन ये उन्हीं लोगों के पार्टनर हैं जो गौ मांस खाते हैं और बीफ बंद करने की बात नहीं करते हैं। जैसे आपका नॉर्थ ईस्ट हो गया, वहां जाते हैं तो बीफ का और इसका समर्थन करते हैं। उसी प्रकार गोवा में इनका जो चीफ मिनिस्टर था बोलता बीफ बंद नहीं होगा, उनको समर्थन करते हैं। तो ये दो तरह की बात एक देश में नहीं चलेगा। आपकी बात की विश्वसनीयता होनी चाहिए, आपकी बात की लोगों में एक भरोसा होनी चाहिए कि देश का मुखिया कह रहा है तो इसकी एक वजह है और विश्वसनीयता है। लेकिन आप अगर इन छोटी मोटी बात में, जैसे आज माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे, पुनः वही झूठ परोस के चले गए कि धान हम खरीदते हैं। ईश्वर को साक्षी मान के कहें कि धान हम खरीदते हैं, और मैं ईश्वर को साक्षी मान के कहता हूं कि हम धान खरीदते हैं और बैंक से लोन लेकर के खरीदते हैं। सर्व आदिवासी समाज चुनाव में खड़ा हो गया, आखिर ऐसी नौबत क्यों आ गई, क्या लगता है आपको? देखिए, इस समय तो राजनीति में केवल एक दल नहीं है या दो दल नहीं है, कई दल हैं और कई दल मिलकर के, कई दल मैदान में है। क्या भारतीय जनता पार्टी है, बीएसपी है, कम्युनिस्ट है, इनका जो आप पार्टी है, उसी प्रकार से ये नया पार्टी भी आ गया, तो उससे फर्क क्या पड़ता है? ठीक, सनातन की बात करते हैं हम। सनातन को आप किस तरह देखते हैं? बयानबाजी आप लगातार देख रहे हैं, सियासत उस पर लगातार देख रहे हैं, आखिर क्यों सनातन को बीच में क्यों लाना? हरि अनंत हरि कथा भई अनंता, और कहत सुनत बहुविधि सब संता। धर्म के बारे में जितने विश्लेषण करेंगे और जितने आप विचार सुनेंगे, अलग अलग मत और अलग अलग समय में लोगों ने कहा, इसलिए इसके पचड़े में मैं नहीं पढ़ना चाहता। मैं तो आदिवासी विंग्स जाति से आता हूँ, आदिवासी समाज से आता हूँ, और बहुत हमको छल प्रपंच राजनीति आता नहीं है। जैसे हैं वैसे ही हैं, और जो प्रेम से कहा, जो प्रेम से बुलाया, उसी के साथ हो लिए। ठीक, अगर हम छापों की बात करें, ईडी की हम बात करें, लगातार उस पर कांग्रेस आवाज उठाती है कि जहां पर कांग्रेस की सरकार होती है, बीजेपी की नहीं होती है, वहां पर ही छापे पड़ते हैं। देखिए, इसमें कोई बात यूं ही नहीं उठता है, कहीं आग लगती है तभी धुआं उठता है। पूरे देश में जिन जिन प्रदेशों में गैर भाजपाई सरकार है, वहीं इस प्रकार की कार्रवाई देखने को मिलती है। और जहां ईडी पहुंच जाए, जहां पर इनकम टैक्स पहुंच जाए, सीबीआई पहुंच जाए, तो लोग समझने लगे हैं कि यहां चुनाव होने वाला है। और भारतीय जनता पार्टी जहां सीधे तौर पर मुकाबला करने की स्थिति में नहीं रहती है, तो उनसे अनुवांशिक संगठन के रूप में ये लोग काम करते हैं। इनको पुनः मैं देश के जो हुकूमत है उनको भी और बाकी एजेंसीज को भी पुनः मैं आग्रह करना चाहता हूं कि ये देश सबका है और सरकारें आते जाते रहती हैं। इस प्रकार की जो आप मिसाल पेश कर रहे हैं कदापि उचित नहीं है। इस देश के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी ने मिलकर के लड़ा है, सभी ने खून बहाया है, सभी ने शहादत दी है। और अगर आज आप किसी को अलग करके देश की एकता और अखंडता की बात करते हैं, तो अपने आप में आप झूठा दिलासा और बेईमानी कर रहे हैं। ये देश में सभी को साथ लेकर के चलने की जो बात संविधान हमको कहता है, जिस बात की इजाजत देती है, उसका हमको अनुसरण करना चाहिए। और जिस प्रकार से एजेंसीज का दुरुपयोग हो रहा है, बंद होना चाहिए। आप एक कहावत है कि बोए खेत में फसल आम बांस का, तो कटहल कहां से होए, तो आम कहां से होए, तो जो जैसा फसल बोता है वैसा काटता है। तो जो मिसाल लोगों के सामने जो पेश कर रहे हैं ना, उदाहरण दे रहे हैं ना, ये अच्छा नहीं है। अच्छा करना चाहिए, अवसर बहुत कम मिलता है, अच्छा जब अवसर जब मिलता है तो अच्छा काम करना चाहिए।
मिसाल पेश करना चाहिए, अच्छी व्यवस्था देनी चाहिए। हमारी प्रतिबद्धता देश के नागरिकों के प्रति है, उनके लिए अच्छी योजना लाएं, अच्छा उनके लिए अवसर प्रदान करें, देश को विकास के रास्ते में आगे ले जाएं। जी जी जी, देखिए मैं आपके पास सवालों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। मैं ये भी बताना चाहूंगी कि बस कुछ देर और हमारे बीच में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आने वाले हैं और बहुत ही खास सेशन होने वाला है। सवालों के सवाल होंगे, कड़े सवाल होंगे, साथ ही साथ जवाब भी होंगे। बस कुछ देर और इंतजार करना होगा, मुख्यमंत्री हमारे बीच होंगे। आगे बढ़े हम, अमरजीत जी, जो राष्ट्रीय स्तर पर रामायण महोत्सव का आयोजन हुआ, आखिर उसका क्या एजेंडा था? देखिए, छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में आपने देखा भी होगा और सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, यहां की जो संस्कृति है सबको साथ लेकर के चलने की और सबको साधने की। छत्तीसगढ़ में भगवान राम का ननिहाल है, माता कौशल्या का मैका है, चंद्रखोरी में माता कौशल्या का मंदिर बने है, और जिस मार्ग से प्रभु राम आए थे उन मार्गों को पर्यटन पथ के रूप में डेवलप करने का काम संस्कृति और पर्यटन विभाग मिलकर के कर रहे हैं। और जो लोग भी छत्तीसगढ़ आएंगे, अभी तक का पहचान क्या था कि छत्तीसगढ़ नक्सलगढ़ है, पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, लेकिन जिस छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय स्तर के आदिवासी नृत्य महोत्सव हो रहे हैं, देश और विदेश के सारे लोग आ रहे हैं, कलाकार आ रहे हैं, सभी राज्य पार्टिसिपेट कर रही हैं, वहाँ अगर रामायण प्रतियोगिता राष्ट्रीय स्तर का हो रहा है तो प्रभु तो सबके हैं। और कोई अलग बात है कि कोई इसमें अपना वोट लेने का एक मैंडेट बना लेता है, उसको प्राइवेट लिमिटेड बना लेता है। हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी जब सुबह उठते थे तो पहले उनकी शुरुआत, दिन की शुरुआत राम भजन से होती थी, और उन्होंने हमेशा इस बात को सभी लोगों ने एक्सेप्ट किया और पूरा हम उनको मानने वाले हैं, इसलिए हम उनको भी मानते हैं। और छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में भगवान राम तो हमारे भांजा राम है, यहाँ ये जो भांजे हैं उनको मामा पैर पखारते हैं, राम के रूप में देखते हैं, और जब सुबह मिलते हैं तब राम राम, सांप को राम राम, और जब इस दुनिया से चले जाते हैं तब भी राम राम। तो राम हमारे रग रग में बसे हैं, संस्कृति में बसे हैं, और उस राम जिस रास्ते से गुजरे हैं उस रास्ते को संवारने का काम, सजाने का काम अगर जो कर रहा है, तो मैं सोचता हूं कि भगवान राम का आशीर्वाद भी उन्हीं को मिलेगा। तो जहां छत्तीसगढ़ में भरतपुर हरचौका, आप कभी गई हैं, कभी आइए, जहां सीता माता का चौका है, जहां वो जहां पर पहला पड़ाव था, अभी हम लोगों ने वहां भी भगवान राम का विशाल मूर्ति का स्थापना किए हैं, चार जगहों में हुआ है, रामगढ़ में हुआ है, शिवरी नारायण में हुआ है, इन सारे जगहों में भगवान राम का प्रतिमा का हम लोगों ने बीजेपी कहती है कि देखा देखी करती है कांग्रेस, कोई मैं बोलता हूं चुनाव के समय सिर्फ एक्टिवनेस दिखाती है धर्म के नाम। मैं भारतीय जनता पार्टी की बात को ही मान लीजिए दो मिनट के लिए मान लूं कि देखा देखी ही सही, आप भी तो देखा देखी सीखो कैसे भाईचारा होता है, कैसे प्रेम निभाया जाता है। राहुल जी कैसे पूरे देश को जोड़ने के लिए कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चलते हैं, कैसे सभी जाति धर्म के लोगों को गले लगाते हैं, कैसे भारत को एक करने के लिए वो निकलते हैं, और कैसे नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करते हैं। कुछ तो सीखो, उन्होंने तो मिसाल पेश किया है, और गांधी जी ने जो रास्ता दिखाया, ये देश गांधी का देश है और वो उनके बताए मार्गों पे, उनके आदर्शों पे चलना चाहिए, हर किसी भारतीयों को चलना चाहिए। तो मैं सोचता हूं कि अगर कांग्रेस उनके बताए रास्ते पर चल रही है तो बहुत खुशी की बात है और हम सबके लिए बहुत प्रशंसनीय बात है। एक चर्चा काफी जोरों पर थी बीच में कि पीसीसी अध्यक्ष आपको बनाया जाएगा और आपने मना कर दिया, क्यों? आप भी एकदम डूबती रक्त में हाथ रख देते हैं, ये तो पुरानी बात हो गई। और मैंने उस समय भी कहा था, शायद आपको मालूम होगा कि मंत्रिमंडल के गठन में सबसे लास्ट में मेरा नंबर लगा था,
और मेरे से बार बार आप लोगों ने प्रेस के माध्यम से पूछा कि आप मंत्री बनना चाहते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहते हैं। हमारा उत्तर तब भी एक वही था और आज भी आगे भी वही, हम पार्टी के अनुशासित सिपाही हैं, जो हाईकमान जो निर्देश देता है, जो निर्णय लेता है, वो उसका हम पालन करते हैं। और उस समय भी हमको सरकार में रखने का अवसर दिया, उसमें काम किए, भविष्य में जो भी पार्टी का जो निर्णय होगा हमारे लिए सिरोधार्य होगा। आंदोलनों की अगर हम बात करें, हसदेव और सिलगेर जैसे आंदोलन आदिवासियों के सालों से चल रहे हैं, ये आंदोलन आखिर आप इसे कैसे देखते हैं, कैसे ये रुकेंगे? देखिए, ये जो हसदेव अभ्यारण है, ये यहां पर माइंस किसका चल रहा है? अदानी का, राजस्थान पावर प्लांट का। इनको एनओसी और इनको खोलने की अनुमति कब मिली है? जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी 2012 आसपास में। और प्रश्न पे प्रति प्रश्न खाली कटघरा में खड़ा करने का काम हम ही को करते हैं। मैं बोला भैया कि सब तो आपने किया कोई और जवाब कोई और दे। तो ये सब जितने चीज भी हुए हैं सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय हुए हैं और हम तो केवल जवाब दे रहे हैं। ठीक है सर, ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी बाकी से सारे सवालों का जवाब देने के लिए अमरजीत जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा थोड़ी देर मंच पर बने रहिए। मैं प्रतीक जी को आमंत्रित करूंगा मंच पर मोमेंटो देने के लिए। प्रतीक जी प्लीज। वक्त हमारे बीच आने वाले हैं,